हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। और जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम है दिग्जय जौहरी और मैं इस यूट्यूब फैमिली में न्यू हूँ। आज हम करने जाने वाले हैं नायका पिंक समर सेल का सेकंड पार्ट। हाँ जी, देखो मैंने पिंक पिंक के चक्कर में ना थोड़ा सा पिंक के झुमके पहन लिए कि थोड़ा पिंक पिंक का मज़ा आना चाहिए। तो बिना देरी के आज, क्योंकि आज अपने पास है मेकअप कैटेगरी, तो आज हमारे पास है बहुत लंबी मेकअप कैटेगरी जो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको रिकमेंड करने के लिए। तो अपन बिना देरी के लिए अपना रिकमेंडेशन चालू करते हैं। और आज की सीरीज़ पूरी है मेकअप के ऊपर। पहला पार्ट था वो था स्किन केयर के ऊपर, और ये जो सेकंड पार्ट है वो है मेकअप के ऊपर। तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, मतलब जैसे अपन मेकअप करते हैं ना, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ही अपन हर चीज़ को लेते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में ही आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन रखी हैं। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं अपने प्राइमर पार्ट से, प्रेपिंग अप और फेस। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए रिकमेंडेशन कुछ इस प्रकार है। दिस इज लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। तो अपन इसकी बात करते हैं, तो ये है प्राइमर जो कि लैक्मे का है और ये वाटरप्रूफ इसका बेस है, वाटरप्रूफ फॉर्मूला है ये। और ये आपकी जो पोर्स हैं उसको अच्छे से ब्लर करता है, अच्छे से मेंटेन करके रखता है, ड्यूई फिनिश देता है आपको। और ये जो मेकअप को ब्लेंड करने में भी बहुत, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपके मेकअप को ब्लेंड करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। ये आपको एक टिंट, मतलब बिल्कुल टिंट फिनिश देता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि ड्यूई फिनिश होता है बिल्कुल बहुत ही एब्सोल्यूट परफेक्ट तरीके से। तो ये आपको बहुत अच्छी फिनिश देता है, ड्यूई फिनिश देता है। और ये था मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन। अपन जल्दी से दूसरे रिकमेंडेशन की ओर बढ़ते हैं जो कि है मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी, आपकी जो सीरीज आई है उससे रिलेटेड है। तो है फिट मी प्राइमर मैट प्लस पोरलेस। तो ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी प्राइमर और ये है मैट प्लस पोरलेस, जैसे कि इसमें लिखा है। और इसका अमाउंट है ओनली एंड ओनली 450। हाँ जी, ये मैं आपको सेल प्राइस बता रही हूँ। तो ये है 450 का और इसकी फिनिश बहुत अच्छी है। ये 16 आवर तक लॉन्ग करता है आपके मेकअप के साथ, मेकअप पे। और ये जो इसका SPF है ये SPF 50 में है और ये स्किन के पोर्स को ये भी बहुत अच्छे से ब्लर करता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करता है। आप इसको फाउंडेशन के संग भी मिक्स करके अपने फेस पे लगा सकते हैं और इससे आपको बहुत ही ड्यूई फिनिश देता है ये। और अब हम बात करने जाने वाले हैं सेटिंग स्प्रे के ऊपर, मेबलिन का सेटिंग स्प्रे जो कि बहुत ही, मतलब आपके जो मेकअप को बहुत अच्छे से देता है, रेसिस्ट करता है। ये आपके फेस के ऑयल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। जो इसका फिनिश है बहुत ही प्यारा है और ये बिल्कुल मैट फॉर्मूला है, तो ज़्यादा ड्यूई नहीं लगता है। और ये नॉन एक्नेजेनिक है और ऑल स्किन टाइप के लिए हर कोई इसको इस्तेमाल करके देख सकता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, एक और रिकमेंडेशन मेरी तरफ से। और इसका जो इंस्टेंट शाइन आता है मैट वाला, इसका शाइन बहुत सही आता है, तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते। और अब अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट की और, जो कि है अब फाउंडेशन। सारी फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे और जो मैंने आपके लिए फाउंडेशंस निकाली हैं उसमें से सबसे पहला है ये। तो ये है पहला फाउंडेशन जिसके अपन बात करने जाने वाले हैं। तो ये है के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। हाँ जी, और ये इसका मेरा जो शेड है वो है 105Y लाइट, तो वो 840 का सेल प्राइस में हमें मिल रहा है। और वैसे इसका प्राइस ज़्यादा है तो मेरे लिए तो अच्छी डील है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। और जो इसकी अच्छी अच्छी बातें हैं वो तो कर लेते हैं अपन। ये अवोकाडो बटर, मैंगो बटर और
हाइलुरोनिक एसिड से बना है और इसमें मतलब ये तीनों चीज़ें कंटेन करता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी स्किन को अच्छे से फ्रेशन करके रखता है। इसमें हाइड्रेटिंग बूस्ट है, हाइड्रेशन है जो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखता है और इट रिटेन्स मॉइस्चर, इट रिड्यूसेस रिंकल्स एंड एक्ने स्पॉट्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ फाउंडेशन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन विच इज़ दिस विच इज़ ऑफ मेबलिन। और ये ना जो मेबलिन की जो फाउंडेशन है ना, ये टिंट फाउंडेशन है, फ्रेश टिंट विद SPF 50 है। हाँ जी, ये टिंट है, मतलब है फाउंडेशन, बिल्कुल फाउंडेशन भी इसे नहीं कहेंगे। मतलब आप इसको यूजुअल, मतलब कैजुअल डेज पे आप रोज इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब डे टू डे आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे जो ऑफिस वगैरह के लिए हैं और टीचर्स हैं वो इस, उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा आपके स्किन को ना बहुत ओवर बोल्ड फाउंडेशन, जैसे आप शादी पार्टी वाला मेकअप नहीं दिखाती है, ये बिल्कुल नेचुरल टच देती है आपके स्किन को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ मेबलिन ने निकाली है। और इसका प्राइस ये है, आप देख लीजिए। तो ये आपको बिल्कुल नेचुरल कवरेज देता है, एवरी डे डे टू यूज़ में आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर विटामिन सी है जो कि आपकी स्किन को अच्छे से ब्राइट करती है, और जिसको इसका SPF 50 डेली डे सन प्रोटेक्शन में जो आपके डेली डे सन प्रोटेक्शन में काम आती है। तो दिस वाज़ द सेकंड रिकमेंडेशन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन विच इज़ ऑफ द बॉडी शॉप। यार मतलब इसकी फाउंडेशन पे ना मैं आपको अलग से कहूँगी कि यार जस्ट चेक आउट दिस, लिटरली जस्ट गो एंड चेक आउट, या तो आपके उधर स्टोर्स वगैरह हैं आपके उधर जा कर के चेक करो। लिटरली इसका फॉर्मूला और इसके टेक्सचर बिल्कुल ही हटके हैं, और जब मैं गई थी देखने यार मुझे तो दिल आ गया था। तो इसमें मेरा शेड जो है वो बिल्कुल लाइट वाला है, और ये ना आपके स्किन को बिल्कुल मीडियम कवरेज देता है और बिल्कुल स्किन टोन पे आपके मैच कर सकता है। ऐसे ऐसे स्किन टोन है जो मतलब जिसकी थोड़ी फेयर स्किन्स हैं उनको तो यार मस्त गो, जाओ यार इसको देख के आओ। और इवन दो आप इसमें शेड्स भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारे हैं और बिल्कुल आपकी स्किन टोन पे मैच कर सकते हैं, ऐसे ऐसे शेड्स हैं। तो अपन इसकी बात कर लें, ये बिल्कुल एक नेचुरल टच फिनिश टच देता है, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये सूटेबल है सारी स्किन्स के, इसे ऑल स्किन्स टाइप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये आपके स्किन को बहुत ही मीडियम, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाई है, बिल्कुल ड्यूई सा प्यारा सा मैट फॉर्मूला है जो कि बहुत अच्छा है। सो जस्ट गो एंड चेक आउट दिस। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर कॉम्पैक्ट। सो द फर्स्ट कॉम्पैक्ट विच आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू ऑल इज ऑफ नाइका। ये मैं मतलब मैं जब मेकअप खरीदना चालू किया था तब से मेरे पास है, तो मैं इसको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद, और इसकी रेंज भी बहुत सही है। पहले तो थोड़ा सा कॉस्टली जाता था क्योंकि पुराना हो गया है तो थोड़ा सा कम है, बट जस्ट गो एंड चेक आउट दिस। ये है नाइका ऑल डे मैट 12 आवर्स ऑयल कंट्रोल फेस कॉम्पैक्ट पाउडर विद SPF PA++-, और इसकी अभी की रेंज है 187। यस, जो नाइका डील आपको दे रही है ये समर सेल की, वो है 187। और इसका ना बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है, मतलब आप हल्का सा इस्तेमाल करोगे ना आपके पूरे फेस को कवर कर लेगा, ये इतना प्यारा है। जो इसका वाटर रेसिस्टेंट है, अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, जस्ट गो। और ये जो आपके इम्परफेक्शंस हैं इसको इतने अच्छे से ब्लर करता है, इतने अच्छे से, वाओ। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ये है लैक्मे सन एक्सपर्ट का कॉम्पैक्ट जो कि SPF 40 PA++ है, और ये आपको मैट टच देता है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये आपकी स्किन पे लॉन्ग लास्टिंग है, और ये जो कॉम्पैक्ट है वो दोनों UVA एंड UVB को आपके स्किन पे ब्लॉक करता है, स्किन डार्कनेस को भी प्रिवेंट करता है। जैसे कुछ कॉम्पैक्ट्स अपन यूज़ करते हैं या फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो अपनी स्किन बहुत डल चली जाती है, थोड़ा सा डार्क के स्टोन आ जाता है, तो ये वो ऐसा नहीं देता है। तो दिस इज़ द मस्ट बाय प्रोडक्ट, यू कैन ट्राई दिस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लशेस। एवरीवन लव ब्लश, मैंने भी अभी लगा रखा, मैंने भी लगाया है थोड़ा सा,
जो कि वही के ब्यूटी वाला है, और लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। और सो लेट्स कम टू द ब्लशेस पार्ट। तो पहला ब्लश है मेबलिन का, जो कि अभी नया फिट मी रेंज में है, या मतलब फिट मी रेंज ना मैंने हर उसमें डाली ही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेंज मेबलिन ने निकाला है। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल इज मेबलिन न्यू ईयर का मोना ब्लश। मोना ब्लश तो ये 16 आवर्स वियर है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 16 आवर्स तो इतना ठीक है। ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है, स्मूथ फिनिश देता है आपको, ये आपके स्किन टोन को एनहेंस करता है, बहुत खिल के दिखाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अनदर वन विच इज़ ऑफ मार्स, जो कि बहुत अच्छी रेंज है, मतलब इसकी बहुत प्यारी रेंज है, जो कि सभी बाय कर सकते हैं। कलर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है शेड नंबर 6। जो मैं शेड आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है शेड नंबर 6, या जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मतलब वो बहुत ही प्यारा सा है, सटल सा है और माइल्ड पिंक है, मतलब इतना ब्राइट पिंक नहीं है, बिल्कुल मॉव सा है, मॉव पिंक है। सो जस्ट गो चेक आउट, बजट फ्रेंडली है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैट में है, और इतनी अच्छी रेंज में और क्या ही चाहोगे यार तुम लोग। सो जस्ट गो चेक। और द नेक्स्ट ब्लश इज फ्रॉम लैक्मे, विच इज 9 to 5 प्योर रफ ब्लशर, और इन द शेड कोल पंच। या मतलब कोल पंच ना थोड़ा सा क्या कह लेंगे, कोरल कलर में है, कोरल टच में है, और इसकी प्राइस है 385। ये आपके स्किन पे नेचुरल दिखता है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मैट फॉर्मूला है, और बहुत मतलब पिगमेंटेशन तो अपन लोग चाहते ही हैं जो अच्छी हो। तो आप इस प्रोडक्ट को जाके देख सकते हैं, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। सो जस्ट गो एंड चेक। सो द नेक्स्ट पार्ट इज हाइलाइटर। वी ऑल लव्स हाइलाइटर, राइट? तो हाइलाइटर तो मैंने आपको बताया मुझे बचपन से बहुत पसंद है, और मुझे लगता है मैं उसके पूरे चेहरे पे लगा लूँ। हाँ, अब अपन बात करने जाने वाले हाइलाइटर्स पे। तो जो सबसे पहला हाइलाइटर मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये अभी लैक्मे का न्यू आया है लिक्विड हाइलाइटर है, तो उसका नाम है लैक्मे एब्सोल्यूट लिक्विड हाइलाइटर इन द शेड रोज गोल्ड। मतलब रोज गोल्ड, आई लव रोजी कलर्स, यू नो, मतलब पिंकिश टोन वाले, लाइट पिंकिश टोन वाले मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए भी वही रिकमेंडेशन लेके आई हूँ। तो ये जो है ना आपकी स्किन पे बहुत ड्यूई है, बहुत ज़्यादा ड्यूई, बहुत प्यारा है, रेडियंट फिनिश है, मतलब लाइट वेट है, आपको इतना ऐसा भारीपन महसूस नहीं होगा अपने चेहरे पे इसको लगाने के लिए। और इसकी प्राइस है 439, जो कि सेल प्राइस बता रही हूँ मैं आपको, और असली प्राइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपको एक ऑयल फ्री लुक देगा, आपको बिल्कुल भी नेक्स्ट हाइलाइटर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑफ स्विस ब्यूटी, और ये मतलब अल्टीमेट है कि इसमें सारे शेड्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ब्रेक मतलब उन्होंने ना इसका नाम ही ऐसा रखा है कि ब्रेक स्लाइड की सबकी ऐसी ऐसी लेंथ है, और ये आप देख सकते हैं इसमें। और आपको ना सबसे अच्छी बात है इसमें सारे शेड्स मिल जाते हैं, कि कभी आपको एक पर्टिकुलर शेड लेने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, जो कि है सिर्फ 297। ये सिर्फ 297 में है, आपको बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, अच्छे से आपके चेहरे पे शो होता है। ये मैंने अभी वही लगा रखा है, हाँ जी, तो देख सकते हैं, और ऐसा लग नहीं रहा कि अलग से ओवर से मतलब ओवर किया है, बहुत ओवर लगाया है, बिल्कुल ड्यूई टच देता है, मैट सा है, कि इसमें हमें 5 पिगमेंटेड शेड्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी डील है, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, और ये अल्ट्रा ब्लेंडेबल है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और पूरे मेकअप के साथ, और बहुत ही प्यारा टच देते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मस्कारा। तो मस्कारा में भी मैं आपके लिए एक मेबलिन का लेके आई हूँ, जो कि है स्काई सेंसेशनल स्काई हाई, जो कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है, और अभी इसकी डील इतनी अच्छी जा रही है कि जो इसका एक्चुअल प्राइस है उससे तो सही मिल रहा है हमें, जो कि आई थिंक जो कि है 599 रुपीज़ में।
मतलब ये 700 कुछ रुपए का है, आई एम नॉट श्योर, आप इसमें देख लीजिए। और अभी ये मिल रहा है 599 में, तो इससे अच्छी डील आई डोंट थिंक सो कोई हो सकती है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है और आपके आपके लैशेस को ऐसे इतना प्यारा, उसने नाम ही ऐसा लिखा है स्काई हाई, सेंसेशनल स्काई हाई, तो यार ऑब्वियसली आपकी लैशेस को ना बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है कि आप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दिखती हैं। इसका जो वो ब्रश वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, जो कि आप इसको अच्छे से कर्ल कर सकते हैं अपने लैशेस को। सो जस्ट गो एंड चेक आउट, एंड नाउ द लास्ट पार्ट एंड द फेवरेट पार्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स राइट। तो ये सबसे फेवरेट पार्ट है सारी लड़कियों का, जो कि है सब समझ ही गए होंगे, विच इज़ लिपस्टिक। एंड और मैं लिपस्टिक कुछ अच्छे अच्छे हटके हटके लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। सो सबसे पहला है लैक्मे के, जिसमें दो शेड्स बताऊंगी मैं आपको, लैक्मे के 925 प्राइमर प्लस मैटर, प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक, जिसके दो शेड्स हैं ब्लशिंग न्यूड एंड ब्लशिंग पिंक। तो पहले अपन बात कर लेते हैं ब्लशिंग न्यूड के बारे में। तो ये एक न्यूड कलर है, जो कि बिल्कुल सटल सा न्यूड है। और जो सेकंड वाला है ब्लश पिंक, जैसे अपन ब्लश नहीं लगाते वो वैसा ही पिंक है जैसे, तो आप इन दोनों को जा करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं और इनकी डील भी बहुत अच्छी आ रही है अभी। सो जस्ट गो एंड चेक आउट। नेक्स्ट लिपस्टिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज मेबलिन की, जो कि अभी नया रेंज निकली है, सुपर सेंसेशनल विनिल, जो ये ना इंक लिक्विड लिपस्टिक है, तो ना ग्लॉसी टच देती है आपकी, ट्रांस प्रूफ है ये वाली जो लिपस्टिक है, वो ट्रांस प्रूफ है और आपको बहुत ही शाइनी लुक देती है, और ट्रांसफर प्रूफ है, तो सबसे बढ़िया बात है आपको ये इंस्टेंट शाइन मिलती है इसमें। और इसका जो बहुत ही मेरा फेवरेट कलर है वो है ये जो है पीच, मतलब इसका ना पीच कलर और पिंक कलर भी एक और है, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और जिन्हें ना ग्लॉसी टच अच्छा लगता है अपने लिप्स पे, जैसे मुझे ना इतना ग्लॉसी नहीं पसंद, मुझे ना मैट ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक्स में, क्योंकि ना मैं जब भी वो लगाती हूँ ना ग्लॉसी, तो मुझे अजीब सा लगता है कि नहीं यार आई डोंट लाइक, मतलब मेरे फेस पे ना सूट ही नहीं करते हैं, तो मैं नहीं लगाती हूँ ज़्यादा ग्लॉसी। तो बट आप लोग अगर लगाते हो तो मैं आपको रेकमेंड तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास है इसका जो कि है पीच। सो गाइज ये पीच और पिंक दोनों बहुत अच्छे हैं, आप दोनों इसे ट्राई कर सकते हैं, और पीच वाला तो मस्ट ट्राई है, और बिल्कुल ग्लॉसी टच देता है, ट्रांसफर प्रूफ है, और आपके लिप्स पे 16 आवर्स का वियर इसको ये आपको देता है। तो गाइज आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो अपनी चीज रह गई है वो है आई शेडो। आई शेडो के लिए तो पहले ही मैंने दो वीडियोस बना चुकी हूँ, जो कि आप लोग देख ही नहीं होंगी, आप लोगों ने तो यार जाके देखो ना। और हाँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी ज़रूर डाल दूंगी, आई विल गिव यू ऑल द लिंक्स बिलो, जस्ट गो एंड चेक। मतलब सारा मेकअप सारा स्किन केयर आपको दे दिया है, अब आपको लोगों को और क्या ज़रूरत है, आप जाओ जाके बाय करो और बढ़िया सजो सजो, मतलब अच्छे से अपने आप को सजा कर रखो, तो अच्छे से अपने आप को तैयार करके रखो आप लोग। तो गाइज तो ये था सेकंड रिकमेंडेशन सारी मेकअप की सीरीज पे। तो गाइज मैंने सारी मेकअप को कवर करने की कोशिश अच्छे से करी है, और अगर आपको इसमें से कोई भी रिकमेंडेशन मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, कमेंट कि आपको कौन सा रिकमेंडेशन बहुत अच्छा लगा है। और अगर आपको कोई भी क्योरी हो, कि आपको कोई क्वेश्चन हो किसी बारे में, किसी भी प्रोडक्ट में आपको कुछ भी पूछना है, डू कमेंट, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दूंगी। और गाइस ये था बस आज के लिए रिकमेंडेशन, तो जाओ आज 4 बजे सेल चालू हो जाएगी, यू कैन बाय ऑल दीज प्रोडक्ट्स। और आपको अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत आए प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट ऑन माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सारी फ्रेंड्स को शेयर करो, जिससे वो भी ये रिकमेंडेशंस ले करके बाय कर सकती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, नायका की सेल का लुफ्त उठाओ यार। सो ओके गाइज आज के लिए इतना ही, बाय। Close doors, I'm a fool.